हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल। सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द क्वाड्रिलेटरल, देयर प्रॉपर्टीज एंड वी सॉल्व आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस इन द एग्जांपल्स। बच्चों ध्यान दो, हम 3 एग्जांपल्स सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों इसी में फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज। बच्चों 10th क्लास में ना तो एग्जाम्पल मिस करोगे, ना एक्सरसाइज मिस करनी है, ना ही ऑप्शनल एक्सरसाइज मिस करनी है। बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहे हैं, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स। एक पॉइंट है बच्चों आपका एक्स वाई है। अब इन तीनों के नेम नहीं दे रहे, हम कहते थे लेट से दिस पॉइंट आपका पी, एक अदर पॉइंट और है 7,1, हम इसको बोलते थे दिस इज क्यू, एंड अगेन ए पॉइंट दैट इज आर। आर पॉइंट बच्चों क्या है आपका 3,5, ठीक है। बच्चों 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है पी क्यू आर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो क्या कह रहे हैं एक्स और वाई में रिलेशन निकालो कैसे, कि ये वाला जो पी कोऑर्डिनेट है वो क्यू से और पी वाला कोऑर्डिनेट आर से, दोनों से कौन सी डिस्टेंस बता रहा है इक्वल डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन में यही बोला है कि दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है। तो हमें रिलेशन निकालना है, कोऑर्डिनेट फिर से चेक कर लो 7,1, 3,5 एंड एक्स वाई। बच्चों बहुत इजी है, इट मीन्स क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पी से क्यू का डिस्टेंस निकालना है और पी से आर का डिस्टेंस निकालना है और दोनों को इक्वल पुट करना है। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन ही बोल रहा है पी से क्यू, इस पॉइंट की डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से इक्वल है, मतलब पी की डिस्टेंस क्यू से इक्वल है, पी की आर से भी इक्वल है। इट मीन्स हम क्या अप्लाई कर सकते हैं सर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों यही होएगा। और सर आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, जैसे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो वो क्या होता है, अरे प्यारे बच्चों यही होता है और इसके ऊपर रूट लगता है। ध्यान दो, यहाँ पे पी क्यू अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अरे यस और नो, तो सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में स्क्वायर कर देता हूँ तो हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। बोले सर आप ये क्यों बता रहे हो, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे काम आ जाएगा हमारा पी क्यू और पी आर में। क्यों? क्योंकि सर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ध्यान दो, आप पी क्यू लिखेंगे वैल्यू स्क्वायर रूट में आएगी, आप पी आर की भी निकालेंगे वैल्यू स्क्वायर रूट में आएगी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो क्यों ना हम दोनों साइड फिर से स्क्वायर करेंगे, तब स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। तो हम एक स्टेप पहले ही खा जाते हैं, पी क्यू का भी स्क्वायर कर देंगे, पी आर का भी स्क्वायर कर देंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में जो रूट आते हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पी से क्यू का निकालेंगे, देखो एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 7-x होल स्क्वायर प्लस y2-1-y होल स्क्वायर। रूट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया, कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू पी से आर 3-x होल स्क्वायर प्लस 5-y होल स्क्वायर। रूट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, वरना आपका एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा वो रॉन्ग आएगा। देखो 7-x, 1-y, 3-x, 5-y, क्योंकि डिस्टेंस आ रहा है पी क्यू और पी आर के। अब आप इसको सोल्व करेंगे, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन आएगी, वो आपका रिलेशन हो जाएगा। देखिए सबको पता सर होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 7² 49 माइनस 2ab, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, फिर x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1-2y प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों साइन में मिस्टेक मत कर देना वरना रॉन्ग हो जाएगा सब। देख लो 49 हो गया, ट्वाइस करेंगे 14x हो गया एक्स स्क्वायर, 1-2y प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9-6x प्लस एक्स स्क्वायर, 9-6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, देखो माइनस है तो -10y प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मिस्टेक कर दिया आपने तो आपका सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा, फिर से देख लो 25-10y प्लस वाई स्क्वायर,
9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर, 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कीजिए, बाकी सबको सॉल्व कर लीजिए। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर है यहाँ पे कैंसिल हो गया क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का होगा, वाई स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। देखिए 49 और 150, बट x वाला देखो 14x है यहाँ पे, उधर से भी x वाले को ले आएंगे तो माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा। क्या ये भी सॉल्व हो गया हमारा? अब देखिए y वाले को रखेंगे साथ में, सर यहाँ पे इधर माइनस 2y है और उस tan y को भी मैं इधर लाऊंगा तो प्लस tan y हो जाएगा, ये भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए दैट इज इक्वल टू, अब इधर सिर्फ कॉन्स्टेंट बच रहा है सर, इधर कॉन्स्टेंट 9 प्लस 25 और इधर कांस्टेंट था आपका 49 प्लस 1, दोनों मिलके 50 हो गया, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस 50 हो जाएगा। यस और नो? अब देखिए बच्चों 14x और 6x दोनों अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 14 में से 6 गया तो 8x, बट ग्रेटर विद नेगेटिव तो माइनस आ जाएगा। 10 में से 2 गया तो सर 10 प्लस का ये बड़ा तो 8y आ जाएगा, ध्यान दीजिए। 9 और 25 बच्चों कितना होता है? 34, 50 में से 34 जाएगा तो सर 16 आएगा बट माइनस का आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? ये आपका एक्स वाई में रिलेशन आ गया, आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो अगर मैं इसको दोनों साइड माइनस 8 से डिवाइड कर दूँ तो माइनस 8 से करूँगा तो प्लस हो जाएगा और 8 टाइम गया तो 1 आ गया। ठीक है, 8 से 8 गया 1 आ जाएगा, बट माइनस से भी डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस वाई, क्योंकि सर 8 से गया तो 1 आया बट आपने माइनस 8 से डिवाइड किया था। इसको माइनस से 8 से डिवाइड करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 विल डिवाइड 16 टू टाइम्स। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये भी आप लिख सकते हैं और आपको इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, दोनों करेक्ट है, हमने कॉन्स्टेंट को इधर ले लिया इक्वल टू 0 लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे बच्चों। इज इट क्लियर? लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों कैमरे को बार बार चेक करना ज़रूरी है, कई बार क्या पता नहीं कॉल आता है या मैसेज आता है, इस माइक केबल में प्रॉब्लम है, वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाती है। बच्चों इसी में एक एग्जांपल और करने वाले हैं, वो एग्जांपल क्या कह रहे हैं? फाइंड ए, फिफ्थ एग्जांपल कह रहे हैं, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है। ठीक है, कहाँ चला गया था? y एक्सिस पे हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो क्या है, इक्विडिस्टेंस है टू पॉइंट से, एक पॉइंट है आपका 6.5 और दूसरा पॉइंट है आपका -4.3। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, ए पॉइंट इज 6.5 एंड बी पॉइंट इज -4.3। बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है वो इस ए पॉइंट से भी इक्वल है और वही पॉइंट बी पॉइंट से भी इक्वल है, इट मीन्स दिस पॉइंट इज इक्वल टू ए एंड दिस पॉइंट इक्वल टू बी, मीन्स जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है या इक्वी डिस्टेंस है। अब आप सबको पता है बच्चों ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पे हमेशा x क्या होता है? 0 होता है। समझ में आएगी? नहीं है, जैसे एक लाइन है, एक यहाँ पूछा जाए क्या कोऑर्डिनेट होगा, सर ये कोऑर्डिनेट होगा x कोमा 0, क्योंकि हमें नहीं पता x तो क्या है बट y की वैल्यू 0 होगी क्योंकि x को x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 कोमा y, क्योंकि सर y एक्सिस पे x तो होगा ही नहीं बट y वाला जो भी डिस्टेंस पे पॉइंट है वो पॉइंट y की जगह आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो हम इसका मतलब क्या हुआ सर, y एक्सिस पे जो पॉइंट है, जो y एक्सिस पे पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? 0, y। इज इट क्लियर? सपोज करो पॉइंट है आपका P, अब सर बोले आप उसको कार्टेशियन प्लेन में बताओ ना, बट जरूरी नहीं है बताना बट फिर भी चलो माइंड में बिठा लो एक बार। देखो 6.5, सर मान लो यहाँ पे 6 है इधर 5 है तो ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा 6.5, माइनस 4 सर यहीं कहीं आया होगा
और 3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया आपका माइनस 4.3। अब x एक्सिस, इस y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो मान लो 0.y है, तो क्या कह रहा है, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है इस P पॉइंट की A से और P पॉइंट की B से डिस्टेंस इक्वल है, तो कह रहा है आप फाइंड करो वो कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट है कौन सा। तो x तो 0 ही रहेगा, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से y निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसका मतलब जो आपके डिस्टेंस है, कौन सी P से A वाली जो डिस्टेंस है वो P से B वाली डिस्टेंस के इक्वल है। फिर से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल करने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया। P से A, बच्चों माइनस 4 माइनस 0, 4 में से देखो x2 माइनस x1, पहले चलो A वाला ऊपर वाले की बात करो, 6 माइनस 0 सर 6 आएगा, उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस y इसका स्क्वायर, क्या रूट लगाऊंगा, नहीं, क्योंकि सर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो चुका। P से B का सर माइनस 4 और माइनस 0, तो माइनस 4 ही आएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 3 माइनस वाई उसका होल स्क्वायर, रूट हम नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सर वहाँ पे स्क्वायर कर चुके हैं, इज इट क्लियर। तो इस रूट के ऊपर आप ऐसे स्क्वायर लगाते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमने वापस इसको रफ कर दिया, इज इट क्लियर बच्चों। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इसको सोल्व करने वाले हैं, 36 प्लस, अब इसका बच्चों होल स्क्वायर करेंगे आप, 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर, अरे हुआ कि नहीं हुआ, 25 हो गया, ये माइनस 10y हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया 16 प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, अरे बच्चों यही होगा, देखो क्या हुआ, 36 आ गया, 25 हो गया, माइनस 10y हो गया प्लस वाई स्क्वायर, 16 आ गया, 9 आ गया माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, इज इट क्लियर बच्चों। देखें सर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, क्योंकि वाई स्क्वायर इधर आके माइनस का होगा, एक प्लस का एक माइनस का विद सेम क्वांटिटी कैंसिल हो गया। अब क्या आगे कुछ कैंसिल हो रहा है, एक काम करो इधर वाई के रख लो, सर माइनस 10y है, उसके पास में लाए तो 6y हो गया, हाँ या ना सर, उधर है 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, ये 25 उधर जाके माइनस होगा और 36 भी इधर आके क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, कोई डाउट है, 10y माइनस का था, उस साइड से ट्रांसपोज किया प्लस का हो गया, इन दोनों का सम 25 है, एज इट इज लिख दिया, इधर से 25 माइनस होगा, 36 भी उधर जाके माइनस होगा, सर माइनस 10y प्लस 6y, इसको यही सोल्व ही कर लो ना, 10 में से 6 गया तो 4y आ गया, और 4y किसका आएगा, माइनस का, दैट इज इक्वल 25 से 25 कैंसिल हो गया, माइनस 36, बच्चों यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 36 अपॉन माइनस 4, आप माइनस से माइनस वहाँ भी कैंसिल कर देते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 9, y का वैल्यू थोड़ी पूछा था आपसे, पूछा था ये y एक्सिस पे पॉइंट पूछा था, तो बच्चों y एक्सिस पे पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है हमेशा, सर y एक्सिस पे x तो 0 होता है और y हमेशा y होता है, बट y था क्या, वो हमारा 9 था, तो ये वो कोऑर्डिनेट है P, ये वो P कोऑर्डिनेट है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, हाँ या ना, आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो y की वैल्यू यहाँ पे 9 रखेंगे तो सर 36 तो पहले से ही है, 5 में से 9 हम वेरीफाई कर रहे हैं, 4, 5 माइनस 9 4 आएगा, उसका स्क्वायर 16 आएगा, दैट इज इक्वल टू, अब इधर भी पुट कर लो, 3 में से 9 गया तो 6 आएगा, वो 36 आएगा, क्या दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे, यस सर इक्वल आ रहे हैं, ये 52 है, ये भी 52 है, तो इसका मतलब वेरीफाई भी, एग्जाम में नहीं करना वेरीफाई, जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, इज इट क्लियर बच्चों। अब हम इसमें एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, जो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वही क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, तो आप वन बाय वन क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, जो सिमिलर क्वेश्चन हो गए फिर से अगर बार बार सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आप ही को सोल्व करने हैं। बच्चों ध्यान दो इसी कड़ी में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो बच्चों ए फर्स्ट में फर्स्ट सोल्व नहीं करूँगा, सेकेंड भी सोल्व नहीं करूँगा, इसमें थर्ड वाला सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा अलग आ रहा है सर, बस उसमें ABCD आ गई, अलग क्या आ रहा है
this is a and b and this is माइनस ए कोमा माइनस बी. अब डिस्टेंस निकालिए, सपोज करो ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट है बी. ठीक है बच्चों, सर ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा, एक बार फॉर्मूला और लिख देता हूँ, प्लस अब बच्चों यहाँ से ए बी क्या आएगा, एक्स टू कितना है माइनस ए, एक्स वन कितना है ए प्लस, वाई टू कितना है माइनस बी, और वाई वन कितना हो जाएगा माइनस लगाने के साथ ही माइनस बी हो जाएगा. यहाँ पे आपको लगाना है स्क्वायर रूट. ठीक है बच्चों, यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, देखो माइनस ए और माइनस ए माइनस टू ए माइनस टू बी. सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे, देखो टू का स्क्वायर सर फोर, माइनस बी हमेशा स्क्वायर में प्लस हो जाता है, दिस इज ए स्क्वायर दिस इज़ फोर बी, ये आपका फोर आ गया आंसर. आप चाहे तो इसको और सोल्व कर सकते हो. कैसे सर, देखो अगर मैं यहाँ से फोर कॉमन लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फोर को स्क्वायर रूट के बाहर लाओगे, या ऐसे देख लो फोर का स्क्वायर रूट तो टू होता है, और सर उसका हमें पता नहीं, उसको एज इट इज लिख देंगे आप. ये आपका डिस्टेंस आ गया इन टू पॉइंट्स. लास्ट में लिख दें यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस का कुछ ना कुछ यूनिट होगा, मिलीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, वी डोंट नो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप सिंपली पुट द यूनिट्स. ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं. फर्स्ट में फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आपको ही करने थे, बहुत ईजी है, थर्ड भी ईजी था बट अल्फाबेटिकली आ गया इसलिए मैंने सोल्व कर दिया. जैसे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 00 एंड 36. देखो ध्यान दो बच्चों, ऐसा मान लो क्वाड्रेंट बना दिया हमने, आप सबको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते 0.0, ओरिजिन मान लो O, एक पॉइंट क्या कह रहा है 36, तो यहाँ पे इधर ज़्यादा है उधर कम है, लेट से यही पॉइंट आ गया आपका 30, यहाँ पे मान लो 36.15, यस और नो. अब ये पॉइंट O है, ये मान लो A है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना. आप सबको पता कितना, 36 माइनस जीरो, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस जीरो, 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा. प्यारे बच्चों आप सोल्व करें, 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 18 और 3 21, ठीक है, 18 6 9 टू वन कितना आ रहा है 1296 प्लस, यह आपको ऑलरेडी पता है 225 होता है, 225 भी बच्चों इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12 है 5. बच्चों कितना आ रहा है इसको सोल्व करने पे 1521, और ये आप सबको पता होना चाहिए 39 का स्क्वायर होता है. तो यहाँ से जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया कितना आ गया 39 यूनिट आ गया. क्या बच्चों ये सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा. अब इसी में क्या कह रहे हैं, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. बच्चों टू पॉइंट्स, हाँ 7.2 में आप एक डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, एक आपका होम है ए, टाउन है ए, ए से जो बी वाला टाउन है वो 36 ईस्ट में, देखो कैसे है, यह आपका मान लो ए टाउन यहाँ पे है. अब कह रहा बी टाउन जो है आपका वो इधर जा रहा है 36 किलोमीटर ईस्ट में है, ए से 36 किलोमीटर तो ईस्ट में है और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो ये वाला डिस्टेंस है ये टोटल 15 है, ये 36 है, तुम्हें पता है इनका जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट आएगा वो इनका कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा 36.15. अब क्या कह रहा है, ये हो गया आपका बी वाला टाउन, तो ए की बी से डिस्टेंस कैसे निकलेगी, सर ए वाला सेंटर पे है, ओरिजिन पे है, इसके कोऑर्डिनेट होगी 0.0, 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर होगा जो ऑलरेडी सोल्व कर दिया, तो जो इस कोऑर्डिनेट से आंसर आया वो भी उसी से आंसर आएगा. क्यों, क्योंकि ए वाला जो टाउन है वो तो यहाँ पे सेंटर पे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0.0 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 36 एंड 15, तो वही आंसर आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से 39 यूनिट आएगा, या यहाँ पे यूनिट ऑलरेडी गिवन है तो 39 किलोमीटर आ जाएगा. इज इट क्लियर बच्चों, अब ध्यान दीजिए,
हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, वो क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन करो कि थ्री पॉइंट्स कोलिनियर में नहीं करने वाला हूँ। थ्री पॉइंट्स कोलिनियर की कंडीशन आपको ऑलरेडी बता रखी है, आप ही करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। देखिए थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो थ्री पॉइंट्स है, सपोज करो थ्री पॉइंट्स आपके ये सी है, ये बी है, ये आपका मान लो ए है, तो ए पॉइंट कितना हो गया, फाइव कॉमा माइनस टू, सॉरी वन कॉमा फाइव है, वन कॉमा फाइव। बी वाला जो कोऑर्डिनेट है टू कॉमा थ्री, और जो बच्चों सी वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना है, माइनस टू कॉमा माइनस इलेवन। तो बच्चों क्या होता है कोलिनियर की कंडीशन, ए बी प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू ए सी। आप ए सी बी फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, चेक करो टू माइनस, देखो हम ए बी फाइंड कर रहे हैं, टू माइनस वन, वन आ गया, वन का स्क्वायर वन होता है, थ्री में से फाइव गया माइनस टू आएगा, उसका स्क्वायर होता है फोर, कितना आ गया सोल्व करने पर रूट फाइव। ए बी के बाद में आप बी सी निकालेंगे, बी सी कितना आएगा, माइनस टू माइनस टू, माइनस फोर सिक्सटीन, प्लस माइनस इलेवन और माइनस थ्री, माइनस फोर्टीन हो गया, माइनस फोर्टीन का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 212, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे ही ए बी और बी सी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे और तीनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो अगर इक्वल आ रहा है तो कोलिनियर हो जाएगा, और नहीं आ रहा है तो चलो हम निकाल ही लेते हैं, जब इतना निकाल लिया तो बी सी सी निकाला, माइनस फोर स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस इलेवन माइनस थ्री माइनस फोर्टीन 196, इसमें अगर 14 ऐड करते हैं तो 10 हो जाता पर 16 है। चलो हम ए सी भी निकाल लेते हैं, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, उसका स्क्वायर होता है 9, माइनस इलेवन और माइनस फाइव, माइनस इलेवन और माइनस फाइव बच्चों कितना होता है, माइनस 16, और माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस में हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 256। ये हो गया बच्चों 56 में 9 ऐड हुआ तो 63 आ गया, वो सॉरी 65 आ गया। अब आप ध्यान दो, ये तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये आपका कितना हो रहा है 15 पॉइंट समथिंग, हाँ या ना, और ये कितना हो रहा है आपका 16 पॉइंट समथिंग। तो आप ध्यान दो 15 और 2 17 पॉइंट समथिंग हो गया, क्या ये 16 पॉइंट समथिंग 17 से ज़्यादा होता है, सर कभी नहीं होता है। अब आप देखो यहाँ पे मिस्टेक हमने क्या कर दी, सर ये 14 पॉइंट समथिंग है, तो आप चेक करेंगे डेसिमल में वैल्यू निकाल के फिर सम करके चेक करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कोलिनियर होना चाहिए। आपको स्क्वायर आपको निकालना आता है कि नहीं आता, पहले निकालने बताया हुआ ना छोटी क्लासों में, तो आप इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं आपको पॉइंट कोलिनियर, अगर सम इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है तो आप क्या निकालेंगे, आपका पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। जस्ट बच्चों लेट मी चेक द, यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज, आपको भी पता ही चल गया क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे इन नेक्स्ट क्लास। आप तब तक बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, सेम वही तो एग्जांपल से रिलेटेड है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्विंग दिस कंप्लीट एक्सरसाइज, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।